खबर को कहते हैं। इसके अंदर अल्लाह ताला ने मरने के बाद दोबारा उठाए जाने के एतराज को एड्रेस किया है। जो काफर बिलखसूस मक्का के जो काफर थे उनका बहुत बड़ा एतराज, बहुत बड़ा हंसी मजाक का जरिया ये हुआ करता था कि ताजदार कायनात फरमाते थे कि तुम जब मर जाओगे तो दोबारा फिर तुम्हें उठाया जाएगा और अल्लाह तुमसे हिसाब किताब लेगा। इस पर वो हंसते थे, बातें करते थे। अच्छा, जब नबी पाक दलीलें देते उस पर, जैसा कि पीछे आपने बहुत सारी दलाइल पर मबनी आयतें सुनी भी हैं, फिर ये अकेले बैठे होते तो फिर कोई कहता यार हो सकता है ये ठीक कह रहे हो, जब वो इतनी जबरदस्त दलीलें दे रहे हैं तो हो सकता है ठीक कह रहे हो। कोई कहता कि नहीं नहीं यार तुम ऐसे शक में पड़ रहे हो, ठीक ठोक नहीं है। इस तरह के आपस में ये बहसें किया करते थे। तो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया और फरमाया अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम, कि ये सवाल करते हैं बहुत बड़ी खबर के बारे में, और वो खबर वही कयामत की खबर, दोबारा उठाए जाने की खबर। बाज मुफसरीन ने इससे मुराद कुरान भी लिया है। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, और वो खुद भी इस मामले में इख्तिलाफ कर रहे हैं, आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं। फिर रब ने देखे कितने खूबसूरत अंदाज से जवाब दिया। अल्लाह ने क्या जवाब दिया, कल्ला सयालमून, वो अन करीब जान जाएंगे। फिर कहा सुम कल्ला सयालमून, हाँ वो जान जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला ने इस पर दलाइल दिए कि मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर सकता हूं, मेरे अंदर ये ताकत है, मेरे दस्ते कुदरत में ये पावर है कि मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर सकता हूं। उस पर फिर अकल इंसानी और फिक्र इंसानी और इंसान की जो नजर चीजें देखती है उसको अल्लाह ने बयान किया, कैसे अलम नजअल अर्दा मिहादा, क्या हमने जमीन को बिछोना नहीं बनाया, इतनी बड़ी जमीन हमने बिछा दी। वल जिबाला औतादा, फिर इस जमीन के अंदर कील पहाड़ों के हमने ठोंके नहीं है, इतना बड़ा कील को ठोंक सकता है, ये अल्लाह कह रहा है। फिर फरमाया व खलकना को मजवाजा, और फिर तुम्हें जोड़ा जोड़ा बनाया। वजह अल्ला नौमा कुम सुबाता, फिर हमने तुम्हारी नींद को तुम्हारा सुकून बना दिया। ये रूह निकालने और डालने पर दलील है बड़ी प्यारी, यानी बंदा सारा दिन थक के चूर हो जाता है, फिर जब सोता है सुबह उठता है तो उसकी तबीयत फ्रेश होती है। तो रब कह रहा है तुम्हारे रुए रुए में मैं सुकून डाल सकता हूं तो रूह भी डाल सकता हूं। अल्लाह वजअल लैला लिबासा, और हमने रात को लिबास बनाया। वजअलना नहारा माआशा, दिन को तुम्हारी रोजी रोटी का जरिया बनाया। और फिर ये सारे दलाइल, अब जहर सी बात आते हैं सारी तो पढ़ी नहीं जाएंगी, ये सारे दलाइल अल्लाह जिक्र कर रहा है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला कयामत को बयान करता है, यौम युनफखु फिस्सूरि फतातूना अफवाजा वफुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा, फौजें उतरेंगी, सूर फूंका जाएगा और आसमानों के दरवाजे रब खोल देगा, पहाड़ चला दिए जाएंगे, जहन्नम ताक में होगी उस दिन, लित्तागीन माबा, और वो मुजरमों का ठिकाना होगी जहन्नम, अल्लाह फरमाता है। और उसमें मुद्दतों रहेंगे, लाबेसीन फिया अहकाबा, उस जहन्नम में मुजरिम मुद्दतों रहेंगे। ला यजूकू नफिया बरदम वला शराबा, साथ में अल्लाह ने बता दिया कि मुद्दतों रहेंगे, जहन्नम गर्म भी बड़ी होगी, आग भी बड़ी होगी। अब जहां गर्मी होती है तो वहां प्यास तो लगती है, जेल में भी मुजरिम पड़ा हो तो चलो उसको इतना तो होता है यार मुझे पानी पिला दिया जाएगा। तो कुरान ने पहले बता दिया, खबरदार कर दिया कि जहन्नम में मुद्दतों रहेंगे, लेकिन ला यजूकू नफिया बरदम, पीना तो दूर की बात है, वो ठंडा पानी चख भी नहीं सकेंगे।
वला शराबा और ना पी सकेंगे, इल्ला हमीमम व गस्साका, खोलता हुआ पानी और गस्साका पीप जहन्नमियों का एक दूसरे का उनको पिलाया जाएगा। अब ये देखें, ये कुरान है, ये कोई कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है, ये चीज हमें इस बात पे आमादा करती है कि इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है और कुफर कितनी बड़ी जो है ना वो अजाब है बंदे के लिए, बजाते खुद कुफर अजाब है और कुफर का अंजाम ये है। और रब ताला फिर आगे कह रहा है जजा अम विफाका, ये बदला है जो तुमने किया है, अदले का बदला है, और तुम्हें चूंकि उम्मीद नहीं थी। इन्ना उम कानू ला यार जूना हिसाब, मैं एक दफा किसी टीवी चैनल पर था तो मुझे ये चूंकि लिबरल होते हैं तो इस तरह के सवाल करते हैं, मुझे वो कहने लगा जी इतनी नेकियां वो करते हैं और ये भी जन्नत में जाएंगे। मैंने कहा भाई जन्नत को वो मानते ही नहीं तो जन्नत में जाएंगे कैसे, तुम्हें क्या टेंशन है। जिसको वो मान ही नहीं रहा, जिस जन्नत को वो मान ही नहीं रहा कि वो जन्नत है या कयामत है, तो तुम्हें टेंशन पड़ी हुई उस जन्नत में उसको डालने की। मैं कहा जब वो नेकी कर रहा है तो उसका बदला दुनिया में काफर को मिल गया, जन्नत में सिर्फ मुसलमान जाएगा। ये कुरान कह रहा है क्योंकि उनको हिसाब किताब की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हिसाब अल्लाह लेगा, ये अल्लाह कह रहा है। वक्कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कुरान झुठलाते थे, मेरी आयतें नहीं मानते थे। और ये सारी बातें फिर अल्लाह बयान करके सुबहान अल्लाह फिर आगे रब, मैंने आपको शुरू में कहा है कि कुरान का उसलूब है वो जहन्नमी को जिक्र करेगा तो जन्नती को फिर आगे जरूर जिक्र करेगा, ताकि दोनों का जो है ना वंड निकल जाए और फर्क हो जाए और मुसलमान को भी पता लग जाए कि अल्लाह ने इसको कितना बड़ा इनाम दिया। कहा इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, उस दिन जो मुत्तकी होंगे वो कामयाब ठिकाने पर होंगे। हदाइका व आनाबा, बागात होंगे उनके लिए, व आनाबा अंगूर भी होंगे उनके लिए, व कवाइबा अतराबा व का संदिहा का ला यस्माउना फिया लगबम वला किज़ाबा, कोई फजूल बात और झूठी बात वहां इनको सुनने को नहीं मिलेगी। अल्लाह ने जन्नतियों का जिक्र किया। अब आगे है सूरह नाज़ियात। नाज़ियात किसको कहते हैं, ये उन फरिश्तों को कहते हैं जो काफरों की रूहें निकालते हैं, उनको नाज़ियात कहते हैं। और नाज़ियात का मतलब है खींच के रूह निकालने वाला। वह नाज़ियात गर्का, ये खींच के रूह निकालेंगे काफरों की, काफर की रूह बहुत मुश्किल निकलती है, रूह नाखनों से, पैर के नाखनों से निकल के ये टखनों पे आके रुक जाती है और फिर वहां फरिश्ते गुर्ज मारते हैं तो वो रूह वहां से निकल के ये गुठने में अटक जाती है, और यहां मारते हैं तो फिर ये हमारा जो कोलू है यहां आके वो रूह रुक जाती है, फिर यहां से निकल के सीने पे अटकती। सीने पे रूह का अटकना सबसे शदीद है और ताक रात है। दुआ करें अल्लाह हमारे लिए, वक्त तो देखें हम सब पे आना है, इससे कोई भाग सकता नहीं, लेकिन आसान वक्त आए अल्लाह, अल्लाह आसान वक्त हमारे ऊपर लाए। ये जो सीने की रूह होती है ना, ये बहुत शदीद होती, उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब सीने पे रूह आती तो उस वक्त उसके गुर्दे मर चुके होते, फेफड़े मर चुके होते हैं, सांस जो ले रहे हैं ना हमारे फेफड़े वो बंद हो चुके होते। अब वो एक साइड का सांस चल रहा है और एक साइड का सांस बंदा कितनी देर लेगा, वो अंदर का सांस तो जहर सी बात खत्म हो जाता है, जब खत्म होता है तो फिर वो ऐसी अजियत है कि अल अमान वल हफीज। अगले लफ्जों पर फिर एक रहमत की बात आपको बताता हूं। और हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम पर फिर आप कुर्बान जाइएगा। वन्नाशितात नश्ता, ये वो फरिश्ते हैं जो मुसलमानों की रूहें आराम से निकालते हैं। नबी पाक अपने एक सहाबी की करीबुल मरगी पर तशरीफ ले गए, अल्लाह 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 कहिए सुबहान अल्लाह, हैं हमारी रूह निकलने लगे और सामने हुजूर आ जाए। इस
इस प्यारे सहाबी का सदका। नबी पाक को बताते थे पहले साहबा के फलां साहबी बीमार हैं, आखिरी वक्त है, तो जाने जाना एहसान फरमाते और वहां तशरीफ ले जाते। अच्छा, वहां पूछने के लिए जब हुजूर जाने आलम गए, नबी पाक वहां जब पहुंचे ना, तो हुजूर अली सलाम ने देखा कि मलकुल मौत आए खड़े हैं, हजरत मलकुल मौत इज़राइल। नबी पाक चूंकि फरिश्ते हुजूर के गुलाम हैं, तो और कोई मलकुल मौत को नहीं देख सकता। हाँ, मरते वक्त बंदा फरिश्ते को देखता है, जिंदगी में फरिश्ते को देख नहीं सकता। तो नबी पाक ने मलकुल मौत को देखा कि वो रूह निकालने आए हुए हैं, तो हुजूर पता है क्या फरमाने लगे, कुर्बान जाऊं आका आपकी शफकतों पर। हुजूर फरमाते हैं मेरा सहाबी है और मुसलमान है, जरा नरम हाथ रखी। अल्लाह, और फिर उस फरिश्ते ने जो हुजूर को अल्फाज कहे, अल्लाह कहे करे कि उन लफ्जों के अंदर हमारा नाम भी हो, क्योंकि फरिश्ते के दिमाग में तो सारा कुछ है ना, कयामत तक के मुर्दे, उनके मुकर्रर टाइम, कब किसने किस जगह मरना है, किसने कुफर पे मरना है, किसने इस्लाम पे मरना है, मलकुल मौत को तो सारा पता है। अल्लाह करे कि जब वो कह रहे थे उस वक्त उस लिस्ट में हमारा नाम भी हो। अल्लाह, हजरत मलकुल मौत ने पता है क्या कहा, कहा आका फिक्र ना करें, मैं सिर्फ इस सहाबी की नहीं, आपके हर आशिक और मोमिन की रूह आराम से ही कयामत तक निकालूंगा। अल्लाह अकबर, एक दफा कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी शफकत करते हैं, और मोमिन की आशिक रसूल की जो रूह निकलती है वो फरमाया गया ऐसे निकलती है जैसे किसी ने सफेद मक्खन से वाल उठा लिया हो, ना मक्खन को पता लगा ना वाल को पता लगा, मोमिन की रूह ऐसे निकलती। फरिश्ते आते हैं, वो बड़े नूरानी शक्लों में होते हैं, आपने देखा होगा कई बाबे बोल नहीं रहे होते, वो मेरा दादा आया खड़ा है, बुजुर्ग आए खड़े हैं, वो ऐवें बोलते हैं, वो उन्हें फरिश्ते नजर आते हैं। और फिर रब की मेहरबानी देखो, अल्लाह उस वक्त, अच्छा दो कैटेगरी होती है उस वक्त, जो काफर होता है तो उसको गुमराह करने शैतान लिबादा पहन के आते हैं ताकि वो कुफर पे ही मरे, या जिसका ईमान छीनना हो तो उसको भी इस तरह कर, लेकिन जो मोमिन होता है जिस पे अल्लाह मेहरबान होता है तो बाज दफा फरिश्ते भी उसके जो है ना अजीज व अकरबा की शक्लों में उसको तसल्ली देते हैं, टेंशन ना ले तू साडे को ही आंदा पी। तो वो तज़करा अल्लाह ताला ने यहां सारा किया है। और फिर क़यामत वाले दिन जो कैफियत होगी ना कि कुलूब हुई यौम आइजी वाजिफा, क़यामत वाले दिन गले, ये जो दिल है ना ये निकल के यहां आ जाएंगे, क़यामत इतनी शदीद है। अब सारुआ खाशिया, आंखें डरी डरी होंगी बदबख्तों की, उसको अल्लाह ताला ने यहां पूरा बयान किया है। हजरते आगे हजरत मूसा अलैहि सलाम का जिक्र, तूर का जिक्र, हिदायत का जिक्र, और फिर अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने जहन्नम का जिक्र, दुनिया पर मस्त होने वालों का जिक्र, और फिर फौरन ही आगे दुनिया रब के लिए दुनिया में अल्लाह से प्यार करने वालों का जिक्र किस अंदाज में किया। वह अम्मा मन खाफा, ये जो मैं बताता हूं तो वो उसका खुलासा बीच में बता देता हूं। वह अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी ही वनहन नफ्सा अनिल हवा, रब कहता है जिसन जो अल्लाह के हुजूर खड़ा होने से डरा, वनहन नफ्सा अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोक लिया, फइन्नल जन्नत हियल मावा, तो उसका ठिकाना जन्नत है। एक नौजवान था जो मदीने में रहता था, मस्जिद नबी में उसका बड़ा वक्त गुजरता था, लोगों में मशहूर था कि इसको मस्जिद से बड़ा प्यार है। तो मस्जिद से वो जा रहा था तो किसी खातून ने उसे अपनी तरफ बुलाया नफसानी ख्वाहिश की वजह से, तो वो जब उसकी तरफ नजर उठी तो नजर तीर है और वो मायल हुआ, जब उस तरफ बढ़ा, हजरत उमर का दौर था ये, नबी पाक के विसाले मुबारक के बाद हजरत उमर के दौरे खिलाफत, जब ये उधर बढ़ा तो वहां
दरवाजे के करीब पहुंचा तो रब का डर गालिब आ गया और वहीं गश खा के गिर गया। और जब होश आई तो जल्दी घर पहुंचा। रात का वक्त था, बदन पर कपकपी थी, कांपे जा रहा था, हालत खराब थी और तेज बुखार हुआ और वो नौजवान फौत हो गया। उसको दफना दिया गया। सुबह हजरत उमर को पता चला तो आप उसकी कब्र पे गए, और कब्र पे जब गए तो हजरत उमर ने वहां आयत मुबारक पढ़ी कि जो रब से डर जाता है तो उसके लिए दो जन्नतें हैं। ऐ नौजवान, तू भी डर के ही तो फौत हुआ है, बता फिर वादा पूरा हुआ कि ना हुआ। तो कब्र से आवाज आई कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे रब की इज्जत की कसम है, रब ने मुझे मरते ही दो जन्नतें अता फरमा दी हैं। अल्लाह, ये चीजें कुरान बयान करता है। काश जवानी में ये चीजें दिल पर खाली बाज। जवानी मस्तानी होती है, फिर तो आगे तो काम आसान है। जवानी के जो 10-15 साल है ना, वो औखे हैं, जिसमें बंदा आंदा मौलवियां नु दफा करो, वेखी जा सी, बुढ़े हो गए तो मुड़ वेख ले सा। फिर आगे सूरह अबस है। अबस होता है चेहरे पर नाराजगी का इजहार करना। ये 10 आयतें खास तनाजुर में नाजिल हुई हैं। नबी के साहबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, ये नबीना साहबी हैं। मक्तूम कहते हैं जिसको नजर ना आता हो, और इनकी मां का लकब था उम्मे मक्तूम कि उसकी मां जिसको नजर नहीं आता। और कुर्बान जाए, ये वो खुश नसीब हैं जब हुजूर गजवे में जाते थे तो नबी की जगह ये नमाज पढ़ाया करते थे मस्जिद नबी में। अल्लाह ने इतना इनको ये मकाम अता किया है। ये ना मदीना शरीफ में जब थे तो एक दफा हुजूर अबू जाहल को, अबू लाब को और इन बड़े बड़े जो सरखने थे उनको कुरान के बारे में तालीम बता रहे थे कि भाई मान जाओ मर जाओगे, बुरी हालत होगी तुम्हारी। तो ये नबीना साहबी थे, ये करीब आए हजूर के पीछे और कहने लगे कि मुझे कुरान पढ़ाइए, मुझे बताइए। तो नबी पाक उनको पढ़ा रहे थे तो हजूर अली सलाम ने इनकी तरफ पूरी तवज्जो न दी, और रब ताला ने उस वक्त ये 10 ऐते नाजिल फरमा दी कि महबूब इन्हों दफा करो तो उस आशिक नु पढ़ाओ जिंदे दिल ही थोड़ी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। अब हजूर अली सलाम का तो अपना एक यानी कि हजूर अली सलाम चाहते थे ये सख्त दिल हैं, ये समझ जाएं, ये तो मेरा आशिक है, ये तो समझा हुआ है। तो हजूर जाने आलम ने जो ताखीर फरमाई तो रब ने ये 10 आयतें नाजिल फरमा दी। इस ये भी इश्क भरी आयतें, और इसको बाद लोग गलत नजर में बयान करते, मैंने इसलिए इसको आपके सामने बयान कर दिया। हजरत उमर के दौर में एक मुनाफिक था दूर मदीने से बाहर, वो फजर की नमाज में इसको पढ़ता था बार बार। तो पूछा भी तू क्यों पढ़ता है ये बार बार, तो कहता है जी इसमें नबी पाक को माज अल्लाह अल्लाह ने डांटा है तो मैं इसलिए पढ़। अल्लाह बदबख्त, बात बयान करने का तरीका होता है ना। तो उसका सर उतार दिया था, कहा कि तेरे में हिम्मत ऐसी कि नबी के बारे में ऐसे कलिमात कहे। तो ये सूरह अबस, सूरह अबस जो है ना, 10 आयतों के बाद अल्लाह ने फिर इंसान की हकीकत को बयान किया कि बंदे की हकीकत क्या है। और फिर ये भी अल्लाह ने कहा है, वो एक आयत बयान कर दूं। अल्लाह ताला ने कहा कुतिल अल इंसानु मा अकफरा, कि बंदा जब भी मारा जाता है ना शुक्री में मारा जाता है, शुक्र गुजार रहेगा तो मारा नहीं जाएगा, अल्लाह इससे दरगुजर करता रहेगा। जब मारा जाता है ना शुक्री में मारा जाता है। फिर अल्लाह ने बंदे की हकीकत बयान की, फिर बंदे के ऊपर जो इनाम है वो बयान किए, जो अल्लाह ने फसलें पैदा की, फल पैदा किए, वो सारा सूरह अबस में बयान किया। फिर क़यामत का तज़किरा अल्लाह ने किया, फिर क़यामत के अंदर जो कैटेगरी है अल्लाह को मानने वाले और ना मानने वाले उनको बयान किया। उसको मैं जुमे में एड्रेस कर चुका हूँ इसलिए वो दोहरा नहीं रहा। आगे सूरह तकवीर, तकवीर जो है वो लपेट देने को कहते हैं, कोई चीज लपेट दी जाए उसको अरबी में तकवीर कहते हैं। कयामत में अल्लाह कहता है इज़ शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा, यानी आप कितनी बड़ी धूप है इसको कोई लपेट सकता है? नहीं लपेट सकता, जितने मर्जी जो है ना वो कोई साइंस तरक्की कर जाए सूरज की धूप को लपेट कोई भी नहीं सकता। कहा कि वो रब है जो सूरज को लपेट देगा।
जिस दिन तारे झड़ जाएंगे, पहाड़ चला दी इजल जिबाल सुय्यरत, पहाड़ चला दिए जाएंगे, और ये सारी बातें जो भी क़यामत वाले दिन होंगी वो अल्लाह ने सूरह तकवीर में बयान की। और फिर आगे कहा आलिमत नफ्स मा कद्दमत मा अहदरत, तो उस दिन हर नफ्स जान जाएगा जो उस जो वहाँ लाया है, सारा कुछ आगे प्लेट में रख दिया जाएगा, पीछे गुजरा है, इकरा किताब कफा बि नफ्स कल यौम, पढ़ ले नामा अमाल यही तेरे लिए काफ़ी, नफ्स ने जो कुछ किया है छुप के किया है जहर किया है वो सारा उसके सामने आ जाएगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर आगे सूरह इन्फितार है, इन्फितार कहते हैं फटने को, आसमान उस दिन फट जाएगा, तारे उस दिन झड़ जाएंगे। फिर दोबारा सूरह इन्फितार में अल्लाह ताला ने कयामत की हौलनाकियां बयान करते करते कहा या लामूना मा तफालून, जो इंसान करते थे वो सारा कुछ उनको इल्म हो जाएगा। इन्नल अबरार लफी नईम, लेकिन भलाइयां करने वाले उस दिन नईम नेमतों में होंगे। वइन्नल फुज्जार लफी जहीम, और बदबख्त गुनाहगार उस दिन जहन्नम में होंगे। यही बातें अल्लाह ने बयान की हैं इन्फितार सूरत में। फिर सूरह मुतफ़फ़ीन, मुतफ़फ़ीन का मतलब होता है कम तोलने वाले, उनकी मजम्मत अल्लाह ने वैलुल मुतफ़फ़ीन। अरे कम तोलने वाले की दुकान के बाहर कोई बंदा मैक पकड़ के बोल दे हलाक हो जाएं कम तोलने वाले, बुरा लगेगा ना, है बुरा लगेगा। और बंदा भावे मौलवी भी हो तो उन्होंने आग से इधे आलमा वह तू मैनू आंदा भी। तो ये कुरान कह रहा है कि कम तोलने वाले हलाक हो गए, वैल हलाकत को कहते हैं। नमाजों में भी पढ़ा जा रहा है, मौलवी भी पढ़ रहे हैं, आलम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन डंडी मारना नहीं छड़नी, किसे थले मकना तीस लाया हुआ है, किसे जनाब किलो का वट्टा जड़ा है वो 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम तो स्पेशल बनवा लिया आने किधर पता नहीं कितने इन्ना ये हेरा फेरी वाले रखे हुए उतू, यानी 100-100 ग्राम ये कम वट्टे होते हैं इनके, बाद लोगों के हेरा फेरी करने वाले तो वट्टे इन्होंने वट्टों के अंदर खराबी की होती है, फीते कपड़ा नापने वाले ये इन्होंने इंचे कम लगाई होती हैं, ये कहाँ से ले आते हैं, ये इस तरह हिसाब किताब कर रहे होते। कम तोलने वाले कम नापने वाले वो सूरह मुतफ़फ़ीन को पढ़ लें, तबीयत सीधी ना होवे तो फिर मैनू आखना, ये अल्लाह ने इन्हें सारा कुछ बयान कर दिता है। अगर ये मौलवियों दी गल्ला नहीं रब दी गल्ला है, अल्लाह दी गल्ला है। और वो अच्छा अगली आयत अल्लाह ने बड़ी प्यारी फरमाई, फरमाया भी जदों किसी तो लेंदे जे तो फिर तो पूरा पूरा लेंदे जे, हैं क्योंकि हेरा फेरी वाले बंदे नूं तो पता है ना भी हुण हेरा फेरी वजदी पई, वो वहां से पूरा लेगा, आगे जब देने आता है तो वहां डंडी मार जाता है, वहां इन्होंने अपने तकड़ियां तराजू और इन्हों का हाथ ऐ रंद है ऐ निकाल दे डंडी मारी दे अगा अद्धा अद्धा किलो ते ऐ मार दे, पता नहीं पहले ढेरियां तुलदियां आईया उदो वेखदे है इन्हां दी डंडियां मर गए पता नहीं किन्ने मर गए ढेरियां तोलन वाले, और कबर च हिसाब बंदे ने आधा देना है, पुत्रां को नहीं देना जे याद रख, बच्चों को खिलाओ अच्छा खिलाओ अच्छी रोटी जितनी अल्लाह ने तौफीक दी है, उनको बेहतरीन गाड़ियां ले दो मैं नहीं मना करता, लेकिन जितनी रब ने तौफीक दी है ये हेरा फेरियों से बच्चों ने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। और फिर मर जाएंगे ना तो जैसे आपको और मुझे रब ने रोटी दी है इनको भी अल्लाह रोटी देगा, भूखा नहीं मारेगा। मरते वक्त फरिश्ता पास आता है और पता क्या कहता है, रोटी पे मुकर्रर फरिश्ता कहता है मैंने जमीन आसमान ढूंढे हैं तेरे नाम का मेरे पास एक दाना नहीं है। फिर पानी वाला फरिश्ता आता है वो कहता है तेरे नाम का मेरे पास एक कतरा पानी नहीं है। अच्छा आज टाइम ज्यादा हो जाए मसला तो नहीं, एक ना मैं यूरोप का वाक्य आपको बताता हूं। यूरोप का एक बंदा मरा, उसके पास इतनी दौलत थी कि हुकूमतें कर्जा लेती थी। अब रब की कुदरत आपको मैं बता रहा हूं, उसके घर के अंदर बड़े बड़े कमरे थे जहां सोना चांदी और पाउंड डॉलर वो यूं जुड़े हुए होते थे। अच्छा एक दिन ना वो बंदा अपने उस दौलत वाले कमरे में चला गया, अंदर गया तो कमरा हो गया लॉक। अच्छा
जो इस तरह के कमरे होते हैं वो बाहर से खुलते हैं, उसकी वजह ये होती भी अंदर डाकू चोर चला जाए तो वो खोल ना सके, वो ऑटोमेटिक बंद हो गया, ध्यान में नहीं रहा भी उसका, पीछे किसी को बताना था, दरवाजा हो गया बंद। अब ये जो अय्याश लोग होते हैं उसकी आदत थी कि दो दो तीन तीन हफ्ते वो निकल जाता था और बताता भी नहीं था भाई मैं कहाँ हूं। उन्होंने कहा भाई कहीं हमारा साहब जो है वो निकल गया, अंग्रेज की बात बता रहा हूं, वो निकल गया है तो वो दो तीन हफ्ते में आ जाएगा। अब ये अंदर पिट रहा है, वहां दौलत पड़ी है, हीरे जवाहरात सोने की ईंटें। अच्छा अब लगी भूख और लगी उसको प्यास, अब ना बाहर निकल सके ना पास पानी और दौलत के अंबार पड़े हुए, अल्लाह अकबर। और फिर वो बेहोशी के करीब गया तो उसने अपनी उंगली को काटा, खून निकला, तो उसने दीवार पे फिर वो लिख के मर गया था, अपने खजाने में मर गया। उसने लिखा ऐसा बंदा मर रहा है कि जिसकी सामने उसकी दौलत पड़ी है लेकिन वो उसको बचा नहीं सकती। तो ये अल्लाह के नज़ारे हैं और उसकी कुदरतें हैं, लेकिन हम इसको समझें। ये बातें कुरान की समझने के लिए हैं, ये कहानियां नहीं है। कहानियां तो खतीब सुनाते हैं, दौड़े माइये सुनाते हैं, सुभान अल्लाह जेबें गर्म करके गाते, वो हकीकत नहीं होती। हकीकत ये कुरान है, मैं आपके सामने कुरान इसलिए बयान कर रहा हूं, ये हकायक पर मबनी है। अब ये मुतफ़फ़ीन सूरत जो है ये इसके अंदर इस इन लोगों का बयान है। अब जो बंदा मेरे दोस्तों दुकानदारी करे तो उसमें नाप तोल में कमी ना करे, अल्लाह फजल बड़ा देता है ऐसे बंदे को, कमी नहीं पड़ेगी, आप घबराए ना। आगे सूरह इनशिकाक, इनशिकाक का मतलब है फट जाना। अब आप देखें मुसलसल ये क्यामत की बात आ रही, इसमें आसमान का कहा है कि ये फट जाएगा, और कहा वह आदिनत ली रबिया व हुक्कत, फटे क्यों ना, रब ने कहा है कि फट जा तो रब का हुक्म तो पूरा हो के रहेगा। ये अल्लाह, फिर जमीन का अल्लाह ने कहा, फिर आगे जिनके दाएं आस में नामा अमाल होगा वो कहा, फिर अल्लाह माफ करे। वह अम्मा मानूतिया किताब वरा जाहरी, जो कल बता रहा था वो यहां तफसीर आ गई कि कुछ लोगों का नामा अमाल ये हाथ पीठ के पीछे निकाल के उसको पकड़ाया जाएगा, अल्लाह बचाए, और अल्लाह ऐसे लोगों में हमने ना रखे। आगे सूरह बुरूज है। अब ये बुरूज किसको कहते हैं, ये 12 बुर्ज अल्लाह ने फिजा पूरी जो ये जमीन और आसमान के दरमियान जो अल्लाह की तखलीक है ना, वो 12 बुर्ज हैं और हर बुर्ज के अंदर सितारे हैं, 12 बुर्जों के अंदर। वो आला हजरत कहते हैं ना 12 बुर्जों में जो सितारे हैं वो नबी पाक पैदा हुए तो उसकी तरफ झुक गए, तो आला हजरत कमाल हैं, उन्होंने देखें वो कौन सी बात कहां शेर के अंदर बयान कर दी। तो वो कसीदा नूर है ना, उसके अंदर ये 12 बुर्जों का जिक्र आला हजरत ने किया है कि 12 बुर्ज, हर बुर्ज में अलग अलग सितारे हैं। अब ये अल्लाह पाक ने इसका जिक्र क्यों किया है, इसका जिक्र इसलिए किया है कि आसमान में इतने सारे बुर्ज हैं, हर बुर्ज में सितारा यूं घूम रहा है, सूरज चांद वो घूम रहा है। तो अल्लाह कहता है इतनी बड़ी मेरी तखलीक है कि 12 बुर्जों में सितारे घूम रहे हैं, आपस में टकराते नहीं, उनको अपनी जगह पे उनका ट्रैफिक निजाम बगैर जो है ना वो किसी फौजी और पुलिस वाले के और ट्रैफिक वाले के हैं, उसके बगैर अल्लाह तबारक व तआला इशारे भी नहीं लगे हुए और वो अपनी जगह पर इतनी बड़ी तखलीक घूम रहे 12 बुर्जों में। तो वो इसलिए इसका जिक्र। आगे अल्लाह ने यह एक इंतहाई अहम बात आ रही है, इसको गौर से सुनिएगा, कुतिला असहाबुल उखदूद। फिर आगे अल्लाह ने खाई वालों की हलाकत को बयान किया, ये कौन लोग थे इसकी वजाहत फिर हुजूर ने खुद की है। खाई वाले कौन थे, नबी पाक फरमाते हैं कि पहले एक बादशाह गुजरा था, वो बादशाह अमूमन अपने पास ना चेले रखते थे, चमचे रखते थे, जादूगर। तो जादूगर उसका बुढ़ा हो गया तो उसने कहा कि एक लड़का तुम्हें देते हैं, उसको अपना जादू कन्वर्ट करो, डिलीवर करो, उसके सीने के अंदर सारा जादू डाल दो, तुम मर जाओगे तो हमें वो लड़का काम आएगा, जैन तरीन लड़का। वो लड़का जब जादूगर के पास आता तो रास्ते में उसे एक राहिब अल्लाह वाला मिलता, तो उसका दिल किया कि यार इससे भी थोड़े से बैठ के बातचीत सुनते हैं। तो वो
देर हो जाती उसको जादूगर के पास जाते हुए, या कि मैं उस्ताद के पास था और जब हीला कर लेना, और जब जादूगर के पास जाना है तो कहना मैं घर वालों के पास था। तो इलम सीख ले, सीखता रहा दोनों इलम, जादू भी और इधर नूर भी, अल्लाह की वाहदनियत भी। एक दिन ना जा रहा था तो रास्ते में शेर ने लोगों को रोक रखा था, इसने पत्थर उठाया और कहा कि आज आजमाइश करता हूं कि कौन ठीक है। पत्थर उठाया और कहा कि अगर वो अल्लाह वाला जो राहिब है, उस नबी को मानने वाला उस उम्मत में, वो अगर हक पर है तो अल्लाह इस शेर से नजात दे दे। यूं पत्थर फेंका तो शेर से अल्लाह ने नजात दे दी। उस्ताद के पास पहुंचा तो सारा वाकया बताया, तो उस्ताद ने कहा बेलिया तू हूं मैथू वध गई है, ये असल लोग हैं। तो बाज दफा शागिर्द भी बढ़ जाता है। तो कहा कि तुम मुझसे मकाम में बढ़ गए हो और अब तेरे लिए इम्तिहान शुरू हो चुका है। पता चला जब रब दे नेड़े होइए तो मुड़े इम्तिहान भी देने पैंदे हैं। मैं एक जगह गया तो मुझे फिर मजहबी फील्ड है तो कई फिर मौलाना लोग भी अपनी शिकायतें करते हैं जी यूं हो गया वो हो गया। और मैं कहा अल्लाह लियो अल्लाह की राह पे चल के फिर शिकायत करनी जहालत है, बेवकूफ़ी है। तो कहा कि तेरा इम्तिहान अब शुरू हो चुका है, जब पकड़ा जाए तो मेरा नाम ना बताना। अच्छा अब ये इसका मामला ये था, अंधा आता ये दुआ करता उसको आंखें मिल जाती, कोड़ी आता वो ठीक हो जाता, बे औलाद आता औलाद मिल जाती। शोहरत लड़के की बढ़ती गई, वजीर अंधा हो गया, बादशाह का जालिम बादशाह का वजीर अंधा हो गया। वो इस लड़के के पास आया, किसी ने कहा कि जो उससे दुआ कराओ, वो तो भाई झटपट में काम कर देता है। वजीर आया और वजीर आया तो उसने कहा यार इतना तेरे पास जादू है कि तू ठीक कर दे। उनका जादू नहीं, ये अल्लाह ठीक करता है, तू अगर मेरे अल्लाह को मान लेगा तो मैं तेरे लिए दुआ करता हूं। वजीर ने कहा ठीक है मैं अल्लाह को मान लेता हूं। तो उसने दुआ की, वजीर ठीक हो गया। उसने तोहफों के उठाए हुए कहा तोहफे मैं नहीं लेता, बस तू अल्लाह को मान ले। अल्लाह को उसने मान लिया। जब अल्लाह को मान लिया, अब हमारे दौर में ऐसे हैं आने में साढ़ा डेढ़ भरो अल्लाह अल्लाह मुड़ा दी जगह थे आपे उन्हें मनना जे मान लवे साड़ी तबीयत सेट करो पहले है। तो ये अल्लाह वाले इस तरह के होते हैं। अच्छा वजीर जब गया दरबार में, अब वहां बादशाह के साथ बैठा, बादशाह ने देखा अभी आंखें ठीक हो गई तो कहता है कि किसने ठीक की हैं? कहा उस लड़के ने दुआ की है वो तो मैं तो ठीक हो गया। अब लड़के को बुलाया, कहा कि तूने जादू जो है इतना सीख लिया, इतना पावरफुल हो गया है, हमें तो इतना उम्मीद नहीं थी तुम पे। कहता है जादू ने नहीं, ये सब अल्लाह का कमाल है। अब वो कहता है मेरे अलावा भी कोई अल्लाह है। अब वो राहिब को भी बुला लिया गया, वजीर भी सामने, ये तीन बंदे अब अल्लाह को मानने वाले दरबार में खड़े। अब जरा गौर से सुनना और दिल से सुनना। अब वजीर को पहले लाया और कहा कहे के अल्लाह मैं हूं। बादशाह कहता है, कहा नहीं अब तो दिल रोशन हो चुका है, अल्लाह सिर्फ वो एक ही है। कहा आरा लाओ, आरा लाया गया, चोटी पे आरा रखा और जिस्म के दो हिस्से कर दिए, दो हिस्सों में जिस्म कर दिया। फिर उस राहिब को बुलाया, उसके दो टुकड़े करके मार दिया, शहीद कर दिया। अब एक लड़का रह गया अल्लाह को मानने वाला। कहता है कि इसको ले जाओ, नौकरों को कहा और पहाड़ के ऊपर से फेंको ताकि इसको पता लगे कि मुझे छोड़ा क्यों है। पहाड़ पे जब उसको ले जा रही है फौज पकड़ के पुलिस, और वहां जब ले गई तो वो कहता है या अल्लाह तुझे तेरी मोहब्बत का वासिता, तू इनसे मुझे नजात दे, कैसे देनी है ये तू जान, तेरा काम जाने। बस दुआ नहीं थी, बस ये कहा। जलजला आया, पूरी जो फौज थी पुलिस थी वो करिंदे बादशाह थे के थे मर गए। ये पहाड़ से उतरा, बादशाह के सामने जाके खड़ा हो गया। बादशाह के सामने जब खड़ा हुआ कहता है वो कहां है मेरे फौजी? कहते मर गए।
और कहता है कि इसको पकड़ो, समंदर में ले जाओ, बीच समंदर में जाके कश्ती से फेंक देना। जब कश्ती बीच में गहरी जगह पर पहुंची, कहता है या अल्लाह बचा ले, मुझे नहीं पता कैसे बचाना है, तू ही बचा ले। पानी की झल आई, सारे लोग नीचे गिर गए और फिर वो वापस किनारे पे आया, फिर दरबार में आ गया। अब अल्लाह वालों का अंदाज देखें और इम्तिहान देखें। कहता है तू मुझे मार नहीं सकता, कहिए ना सुभान अल्लाह। क्या कहता है? तू मुझे मार नहीं सकता। ये है अल्लाह से, अल्लाह तक पहुंचने वालों का एतमाद है, अल्लाह तक पहुंचने वाले। आज 57 से ज्यादा इस्लामी ममालिक हैं और फलस्तीन को नहीं बचा पा रहे हैं। उसमें कई काबे के रखवाले बने हुए हैं और कोई मदीने के खादम खादिमुल हरमैन शरीफ हैं, और पावर इतनी नहीं है कि वो मुट्ठी भर बदबख्त इसराइल वाले हैं कि उनको जो है वो धमकी लगाएं कि दफा हो जाओ और हमारे फलस्तीनी भाइयों पर जुल्म ना करो। लेकिन अंदर अल्लाह नहीं है ना। जिन मौलवियों को ये चंदा खिलाते हैं, तस्बियां उनकी गिन गिन के पढ़ पढ़ के, कहो आप उनको कि वो फलस्तीन वालों की मदद करें। जब रब ने ताकत दी है, पावर दी है, काबा दिया है, पाकिस्तान तो है ही गरीब मुल्क, हम पाकिस्तान की बात क्या करें, ये तो गरीब मुल्क है, इसके पास है ही क्या। लेकिन वो जो खुद को कहते हैं कि हम उम्मत मुस्लिमा के जनाब अब्बा हुजूर हैं, तो आप उम्मत तो वहां पूरे रमजान में गोलियां चली हैं, बोला है कोई बंदा? लेकिन हक हक कौन बोले? बहरहाल कहा कि तू मुझे नहीं मार सकता, मैं जो तुम्हें बताऊंगा उस पे अमल करोगे तो मैं मर जाऊंगा। अल्लाह, ये होते हैं अल्लाह वाले, अपनी मौत का खुद ही इंतखाब करते हैं। वो जैसे एक वली कामल है ना, हजरत फरीदुद्दीन अत्तार, वो हकीम साहब थे, तो एक फकीर आया कि कुछ दे दें। कहते हैं कि यार टाइम होता नहीं है, दिमाग खा रहे हो। तो कहते हैं कि क्या मौत का भी टाइम नहीं है? तो वो फकीर को कहने लगे, हजरत फरीदुद्दीन अत्तार जी, मैं तू मर से हूं, मैं मुड़ा सी भी मर जैसे। वो मजाक किया, तो उसके बाद जो कशकोल था दरवाजे पर ही कशकोल दिमाग ये सर के नीचे रखा, उन्हें कहा बेलिया फिर मैं मरदा पी हूं, इन्हें मर के विखा दे। यूं सर के नीचे रखा, रूह कब से उनसरी से परवाज कर गई। तो कहा कि जो मैं कह रहा हूं वैसे मैं मरूंगा। कहा कैसे मरोगे? कहा कि सारी अपनी अवाम जमा कर, सारी सल्तनत जमा कर, जब सारे जमा हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, उस वक्त तीर चला और तीर पे ये बोल, बिस्म रब्बिल गुलाम, इस लड़के के रब के नाम से तीर चला रहा हूं। ये जो लड़का था, तो उनको खजूर के तने पे लटकाया गया। अब इधर से तीर चला और कहा इस गुलाम के रब के नाम से, अल्लाह अल्लाह, तीर चला, कनपट्टी पे लगा और उन्होंने यूं कनपट्टी को पकड़ा और रूह कब से उनसरी से परवाज कर गए। सारे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कहा कि भाई रब तो फिर वो ही है जिसके तुम तो मारते रहे, वो मरा नहीं, और उसी देखो वो अपना खून देके अपने रब का नाम बुलंद कर गया। ये अल्लाह वाले होते हैं। कहा कि ये फिर रब तो वही है जिसके नाम पे इसको तुमने मारा है, वरना तो ये मरता ही नहीं था, तुमने जतन किए। अब सारे मुसलमान हो गए, अब परेशान भाई ये तो खराबी हो गई, मैं तो तीन मारते मारते सारी मखलूक को मुसलमान कर बैठा। अब घानी मारी गई, ये खड्डे खोदे गए, उसमें आग चलाई गई, आग जला के उसमें लोगों को फेंका गया कि मेरा कलमा पढ़ो नहीं तो आग में फेंके जाओगे। ये बयान है कुतिला साबुल खुदूद, कि वो आग जला के बैठे हैं और वहां लोगों को फेंक रहे हैं। एक माई को फेंका गया, माई अपने बच्चे को यूं उठा के आई, दूध पीते बच्चे को। जब अब अच्छा मां खुद तो जल जाती, बच्चा डर लगा के, बच्चा कैसे मैं आग में फेंकूं, तो बच्चा बोल उठा, मां डरना, रब के लिए मुझे भी फेंक दे और खुद भी कूद जा। बच्चे को अल्लाह ने कुव्वत अता फरमाई और ये खंदक के अंदर खोदे, उसमें आग की खंदक में शोले। और हदीस में हुजूर फरमाते हैं
वो आग में कूदते थे तो आग में जाने से पहले रब उनकी रूह निकाल देता था, इनको तकलीफ ना हो। इसका बयान मियां इसमें है, सूरह तारक ये सितारे को कहते हैं, इसमें अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है। दूध जो अल्लाह खून के दरमियान से दूध निकालता है उसको अल्लाह ने यह बयान किया है। गाशिया, गाशिया ये भी छा जाने को कहते हैं, कयामत का, क्यामत चूंकि छा जाएगी सब पर, उसका तज़किरा इसमें आता है। सूरह फजर, फजर के वक्त की अल्लाह ने कसम उठाई है, और फिर इंसान का कहा है कि अल्लाह इसका इम्तिहान ज़रूर लेगा। और उसके बाद सूरह बलद, मक्का पाक की कसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाई हैं, और नबी पाक से कहा है कि महबूब हम ये कसमें इसलिए उठा रहे हैं कि तू इस शहर में रह, जो है तेरी रहश है इसके अंदर। सूरह शम्स, सूरज की कसमें, चांद की कसमें, तारों की कसमें, रात की कसमें, आसमानों ज़मीन की कसमें, कहा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि नफ्स के अंदर हमने बुराई भी रखी है, अच्छाई भी रखी है, जो अच्छाई की तरफ नफ्स को माइल करेगा कामयाब है, जो बुराई की तरफ लाएगा वो नाकाम है। सूरह लैल आगे आ जाती, रात का तज़किरा अल्लाह ने कहा कैसे वो छा जाती है। सूरह वद्दोहा, जाने आलम के चेहरे की कसम, जुल्फों की कसम, हजूर जाने आलम से रब ने, काफर कहते थे वही में कुछ ताखीर हुई तो काफर कहते रब ने इसको छोड़ दिया, रब ने नबी के चेहरे और जुल्फों की कसमें उठा के कहा माँ वद्दा का रब्बू का व माँ कला, महबूब तेरे रब ने ना तुझे छोड़ा है, तुझे कैसे तेरा रब छोड़ सकता है। नबी की तारीफें हैं, इस पे तो मैं बयान करूं आपको पता है बड़ा टाइम लग जाएगा। सूरह अलम नशरा, हजूर के सीना या तहर की बारे में अल्लाह ने बयान किया महबूब तेरा सीना हमने खोल दिया है, इसमें नूर ही नूर है। फिर आगे सारे परेशान मुसलमानों को ढारस रब ने दी, इन्ना माल फा इन्ना माल उसर युसरन, इन्ना माल उसर युसरा, ये आयते पता है इसका मतलब है एक मशक्कत के बाद दो आसानियां। हजूर गौस पाक जब जोहद करते थे और भूख सताती थी तो मिट्टी पर लेट के ये आयते पढ़ा करते थे, फाइन्ना माल उसर युसरा, इन्ना माल उसर युसरा, ये वजीफा है मशक्कत के वक्त, इसको तर्जमे जेन में रख के पढ़ा जाए, अल्लाह मेहरबानी करेगा। सूरह इकरा, नबी पाक पर नाजिल होने वाली वही की पहली आयत, उसमें भी अल्लाह ने इंसान का तज़किरा किया है। आगे फिर सूरह बैना है, जिलजाल जलजला बर्पा करना, ये सूरत है जिसमें क़्यामत के जलजलों का तज़किरा है। सूरह आदियात, जो अल्लाह की राह पे घोड़े दौड़ते हैं उनकी टापों की कस्में उठाई, उनके दौड़ने की कस्में उठाई, हिन हिनाने को बयान किया, जो वो सीना यूं चौड़ा करके अंदर दाखिल होते हैं काफरों में उसको अल्लाह ने बयान किया, वो टाप मारते हैं और उससे चमक निकलती है उसको अल्लाह ने बयान किया। और फिर आगे अल्लाह ने कहा लेकिन इंसान जो है ना वो नाशुकरा है, घोड़ों की कस्में उठा के आगे कहा इन्नल इंसान अली रब्बी लकनूद, ये इंसान अल्लाह का बड़ा नाफरमान और नाशुकरा है। सूरह कारिया में भी क़यामत का तज़किरा और उसमें बयान है, आप अक्सर सुनते रहते हैं। उसके बाद सूरह तकासुर, लोग अपने माल और औलाद पर इस कसरत पर नाज करते थे तो अल्लाह ने कहा ये कसरत पे नाज करना तुम्हें हलाक कर देगा और तुम इसी चक्कर में पड़े रहोगे। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों का मुंह देखोगे, ऐसा ही होता है। अल्लाह ने इसमें बयान किया। सूरह असर, जमाने की कसम उठा के रब ने कहा इंसान घाटे में है, ईमान वाले और नेक अमल करने वाले, सब्र करने वाले, हक पे रहने वाले यही फायदे में हैं। आगे सूरह होमजा, फील, फिर फील का तज़किरा आप सुनते ही हैं शुरू बचपन से ही। सूरह कुरैश, कुरैशियों को कहा गया कि तुम पर अल्लाह का कितना इनाम है, उसकी इबादत भी करो जिसने तुम्हें भूख में खाना दिया और खौफ में अमन दिया। सूरह माउन, इसके अंदर अल्लाह ताला ने क़यामत को झुठलाने वाले की मजम्मत की और उस बंदे की मजम्मत की जो खाना गरीबों को नहीं खिलाता, और उसकी भी मजम्मत की जो नमाज पढ़ने में सुस्ती करता है। सूरह कौसर, नबी पाक की तारीफ पर मबनी, काफर कहते थे नबी के बेटे जब वफात पा गए तो वो कहते थे अब इसका नसब नहीं चलेगा और ये मुनक़ति नसब हो गए
तो रब ने कहा महबूब तेरा दुश्मन उसका नसब मैं तोड़ूंगा, तेरा नसब तो क़यामत तक चलता रहेगा। ये इन्ना आतवाई नकल कौसर की तफसीर है सूरह काफिरून। ये आयतें फिर बाद में लकुम दीनुकुम वली यदीन, पहले कहा गया जब कसरत नहीं थी मुसलमानों की कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए हमारा दीन हमारे लिए, बाद में फिर जब जिहाद की आयतें आईं तो ये अहकाम मनसूख हो गए। फिर कहा गया कि जिहाद करो अल्लाह को मानो वरना हमारे साथ लड़ो, ये तस्करे हैं इसमें। फिर सूरह नसर, इसमें नबी पाक से फरमा दिया गया कि महबूब अब वक्त ऐसा आएगा कि तुम अपनी आंखों से देखोगे जूक दर जूक कलमा पढ़ रहे हैं लोग। इसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम से फिर कहा गया अल्लाह की तस्बीह बयान करो। फिर तब्बत यदा, नबी के गुस्ताख नबी के दुश्मन अबू लहब और उसकी बीवी जो थी उम्मे जमील, ये दोनों नबी के इंतहा दर्जा के गुस्ताख थे। तो रब ताला ने इनके एक जुमले के जवाब में ये आयत नाजिल की थी। ये नबी से कहते थे, नबी पाक ने जब कहा था ना पहला खुतबा दिया था सबको बुलाया था मैं कहूँ तो दुश्मन हमला कर रहा है तो मान जाओगे, तो कहा कि मान जाएंगे। फिर नबी पाक ने कहा कलमा पढ़ लो, तो उस वक्त अबू लहब ने कहा था कि ऐ मोहम्मद तेरे हाथ हलाकूं, और इसका मतलब ये होता था कि तू हलाक हो जाए। तो उस जवाब में अल्लाह ने ये सूरत नाजल की तब्बत यदा अबी लहब व तब, हलाक हो जाए अबू लहब के हाथ, और वो हलाक हो गया। और ये पता है ये अपनी मौत आ मरा था, इसके अपने भी इसको छोड़ गए थे, इतनी गंदी मौत मरा था, ये कत्ल नहीं हुआ था, ये घर के अंदर बीमारी पड़ गई थी मर गया था। और आप देखें अबू लहब कहते हैं गोरे चिट्टे चेहरे वाला, लहब शोले को कहते हैं, अबू लहब मतलब शोले वाला, इतना खूबसूरत था। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के दरबार से दूर हुआ तो हलाक हो गया। और इसकी बीवी नबी पाक के लिए हर वक्त जो है बुग्ज दिल में रखती थी, उसकी बर्बादी भी और फिर साथ ऐलान भी रब ने कर दिया। अच्छा जब ये सूरत नाजिल हुई ना तो अबू लहब कहता था वो पैसा बड़ा है मसला नहीं है, कोई मसला आएगा तो पैसा है ना, तो रब ने जवाब भी दे दिया माग़ना अनहु मालुहु वमा कसब, ना माल काम आएगा ना कमाई काम आएगी। फिर आगे सूरह इखलास, ये इतनी प्यारी सूरत है। एक दफा नबी पाक के हजूर किसी ने कहा कि हजूर हम ये सफर पे गए और हमारा जो अमीर था काफले का हर वक्त सूरह इखलास ही पढ़ता रहता था, तो नबी पाक ने उसे बुलाया हाँ भाई बाकी सूरतें क्यों नहीं पढ़ते थे, कहता जी मुझे इस सूरत से इश्क बढ़ा है। तो नबी पाक ने फरमाया अगर ये तेरी कैफियत है तो फिर सुन ले, तुझे ये सूरत जन्नत में ले जाने के लिए काफी है। ये सूरत इतनी कामल है इसमें, क्योंकि रब का तारुफ है, इतना इसमें डूब के बंदा पढ़े ना अल्लाह की जात को बंदा महसूस करे। सूरह इखलास आम नॉर्मल सूरत नहीं है, बहुत बड़ी सूरत है। आगे सूरह फलक और सूरह नास, ये दो सूरतें, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम पर यहूदियों ने जादू की कोशिश की थी, तो चूंकि नबी पर जादू क्या होना अल्लाह का नबी होता है, तो ये सूरतें नबी के सदके हमको मिलनी थी, बहाना बनना था। उन्होंने एक पुतला बनाया था और पुतले के अंदर सुइयां डाल के जैसे जादूगर करते हैं, तो वो कुएं के अंदर उन्होंने रख दी थी पत्थर के नीचे। तो फिर फरिश्ता आया और पत्थर उठा के पुतले को निकाला और ये सूरतें एक एक आयत पढ़ते गए और वो गिरा खोलते गए। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का एहसान है कि उनके जरिए, अच्छा मौलवी इस बहस में पड़ जाते हैं जादू हुआ था नहीं, वो बड़े बड़े मनाजरे करते हैं, ओ भाई उस चक्कर में ना पड़ो, जो काम की बात है वो करो। ये सूरतें हकीकत में हमको मिलनी थी, हम कहां जाते बताएं। फिर वो कल वाली बात है, टीका लगा रहे होते आमल हमें 10-10 हजार का 5-5 हजार का है। तो ये बड़ी कमाल की है, सिर्फ एतकाद कम है। एक बंदे की तबीयत खराब थी तो उसको मैंने जो भी मुझे ये 2-4 लफ्ज आए मैंने पढ़ के दम कर दिया। वो कहते थे कि भाई मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा जादू है, मैं उसके पास गया मैंने कहा भाई
अगर तो यकीन है तो ये पी ले ठीक हो जाएगा, अगर यकीन नहीं है तो सुभान अल्लाह राह सीधा है, बटुआ भर ले तो जाता रहो, है मैं नहीं तेन रोकदा। तो ये सूरतें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। पहली चीज दिल नु सीधा करो, जो बंदा शक में हो उसको फैज कहां से मिलना है? कुरान ये सूरतें पहले सीखो, ये 11 आयतें हैं और ये कमाल हैं। उम्मत के पास जादू का तोड़ इससे बड़ी कोई चीज नहीं। जब भी तबीयत पे भारी, ये आपको मैं वजीफा दे रहा हूं और इसकी इजाजत भी दे रहा हूं आप अपने लिए किया करें, तबीयत पे भारीपन महसूस हो, बिला वजह आप घबराहट में आ गए हों, सर घूम रहा हो, ब्लड प्रेशर ठीक है अपनी जगह पर, तिब्बी कोई आर्जा नहीं है और आप कह रहे हैं कि यार आंखें बड़ी आज दर्द कर रही हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो ये नुस्खा दे रहा हूं आपको, आपने 21 जोड़े ये दोनों पढ़ने, 21 जोड़े यानी पहले दुरूद शरीफ पढ़े उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज बि रब्बिल फलक ये पूरी सूरत, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज बि रब्बिन नास ये पूरी सूरत, ये एक जोड़ा हो गया। 21 जोड़े पढ़ें फिर दुरूद पाक पढ़ें और आप अपने सामने जो है वो पानी की 4 बोतलें रख लें और उस चारों पे फिर आप दम कर दें और फिर आप एक बोतल रख लें 7 दिन तक या 21 दिन तक पीते रहें, ज्यादा तबीयत का मसला है, नॉर्मल है तो 7 दिन, और बाकी जो 3 है उनको आप रोजाना एक बोतल बाल्टी में डालें और उससे नहा लें, दूसरे दिन फिर बाल्टी में डालें नहा लें, तीसरे दिन फिर, और ये अमल करना है जुमा हफ्ता इतवार, जुमा हफ्ता इतवार, नजरे बद टोना जादू ये काट हो जाएगी और आप बिल्कुल फ्रेश हो जाए, और उस वक्त करते हुए आपने ये तसव्वुर करके करना है कि हमें इशफाक भाई ने बताया है, अपनी तरफ से करेंगे तो फिर मसला होगा, लेकिन इस तरह आप करें, बड़े से बड़ा किसी का अब्बा भी जादू करे तो रब के फजल से इंशाल्लाह उसकी तबीयत साफ हो जाएगी और ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जरूरी नहीं कि भाई मकसद आपके सामने बंदा छोटा बैठा है, वजीफा बहुत बड़ा है, ठीक है ना, ये ना समझना कि भाई एवं एक मौलवी दस दिता देन का की होना, कि आने को बड़ा वड्डे तुरे आला हो पीर तो आवे घोड़ी के उत्ते बह के या लैंड क्रूजनर ते आवे अगे फुल सट्टे हुए होवन, मुड़ उन्होंने असी सेज ते बाइए, मुड़ देसी मुर्गा उन्दे अगे रखिए, मुड़ उस तो बाद एक वच्छा उन्होंने देिए वापस नजराना, ते मुड़ काम होंदा है असल, असी आने मुड़ काम, ये तो एवं असी भी उत्तों टुरदे फिरदे आ गए, इन्हें सन वजीफा जो दिते ये हूँ भला इवें भला सर हों, असं इवें भला सर हों, असी तो एवें गया है तो उन्हें सन दस दिता। तो भाई कट्टे वच्छे दे के यकीन करन के बजाय आप सीधा सीधा भी कर लो, सीधे सीधे कर लो यकीन, और ये बड़ी बात है इसको। अच्छा फिर रोजाना रोजाना मामूल में लाओ, बिलखसूस जो लोगों की नजरों में जो रहता है ना, कारोबारी जो बैठे हैं, जिसकी दुकान पॉइंट पर है बड़ी चलती है, जिसके पास लोग बहुत आते हैं, जिसको जिस पर लोगों की नजरें रहती हैं, वो ये वजीफा लाजमी 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 करे। कौन सा? जब रात बिस्तर पे बैठें 3 दफा सूरह फलक 3 दफा सूरह नास ये पढ़ें, और अगर आपको हिम्मत है तो फिर आयतुल कुर्सी भी 3 दफा पढ़ के फूंक मारें और अपने पूरे जिस्म के ऊपर जो है आप पैरों समेत जहां जहां हाथ पहुंचता है आप ये मल लें, तो ये दिन भर में जो भूखी नजरें आप पर पड़ी हैं आप इंशाल्लाह फ्रेश सोएंगे, सुबह फ्रेश उठेंगे और अल्लाह ताला आपके बेड़े पार फरमा देगा। फ्री ऑफ कास्ट तुसी अमल बन जाते जे फिर भी यकीन ना करो तो मेरे बेलियो फिर तुहाडा अल्लाह ही वारस, फिर अल्लाह ही वारस है, तो अल्लाह तुहानू खुश रखे सलामत रखे। पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह सदक अल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ये कुरान मजीद फुरकान हमीद ये जो हमने बयान किया अलहम्द से वन्नास तक, जो इसके अनवार हमने सुने सुनाए पढ़े पढ़ाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हमारे सीनों में इनको रासिख फरमा दे, हमारे सीनों में इनको जगह दे, हमारे सीनों को इस काबिल करे कि ये प्यारा कलाम प्यारा कुरान हमारे सीनों में रहे महफूज रहे।
और रब्बुल आलमीन ये तफसीर और इसके अलावा कुरान पढ़े गए हैं, आप साहब के घर में पढ़े गए हैं और भी दोस्तों ने पढ़े हैं, आइए वो इसाल कर देते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व ताला सलात व तस्बीह। आखिरी ताकरात है, आखिरी ताकरात है, फिर कब रमज़ान साल बाद आएगा तो सलात व तस्बीह पढ़ेंगे और दुआ मांगेंगे। आइए अपनी अपनी नेकियां जो कुरान पढ़े हैं, जो दुरूद पढ़े हैं, आइए हुजूर जाने आलम की सारी उम्मत को पेश करते हैं। अल्लाहुम्म सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिही व सहाबिही व अहले बैतिही व बारिक वसल्लम। या रब्बल आलमीन, तरावी में कुरान पढ़ा गया, आप साहब ने दो कुरान मिलक किए, इसके अलावा हाजरीन में जिस जिसने कुरान और कुरान के चंद पारे जो कुछ भी पढ़ा, जो कुरान मजीद की तफसीर हमने सुनी, जो भी नेकियां की ताक रात है, अल्लाह हमें अपने फजल से इनका सवाब अता फरमा। सवाब का तोहफा दरबारे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम बतौर उम्मती पेश करते हैं, अपने प्यारे नबी तक ये सवाब पहुंचा दे। हजूर जाने जाना अलैहि सलाम के तुफैल तमाम नबी, तमाम सहाबा, अहले बैत, उम्महात और तमाम जो है शुहदा इस्लाम, औलिया इज़ाम, जितने भी साहिब फजीलत लोग दुनिया छोड़ के गए हैं, बिलखसूस या रब्बल आलमीन हमारे इलाके के मोहसिन और इस इलाके में तेरे नाम की तबलीग करने वाले शहनशाह पाक पतन हजरत फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर, इनकी रूह को पेश करते हैं। और फिर हमारे इलाके के दूसरे अजीमुशान बुज़ुर्ग हजरत इस्माइल शाह बुखारी, मोहम्मद अली शाह बुखारी कर्मा वाले जो औलिया इज़ाम हैं, जिन्होंने दीन जो है यहाँ तक फैलाया है, उसके अलावा जितने भी साहिब फजीलत लोग हैं उनको ये सवाब पहुँचा दे। और फिर ख़ास ख़ास करके यहाँ जितने अहबाब मौजूद हैं, तफसीर सुनते रहे, तरावियाँ पढ़ते रहे, इनके जो जो वालिदैन फौत हुए हैं उनकी कब्रों में ख़ास कर ये तोहफ़ा पहुँचा दे। अल्लाह पाक जिनका जो रिश्तेदार फौत हुआ है उनकी कब्रों में ये सवाब पहुँचा दे। इलाहल आलमीन, तेरे कुरान से मोहब्बत की अहबाब ने और इस कुरान से प्यार किया तो उसका सवाब खुद अता फरमा। तेरा कलाम तेरी सिफत है या रब्बल आलमीन, मेहरबानी फरमा, करम फरमा, रहम फरमा, आसानियाँ फरमा। और जितने लोग यहाँ मेरे समेत बैठे हैं तो कुरान के सदक़े अल्लाह सबको तंदरुस्ती और सेहत वाली उम्र अता फरमा। हमारे कारी मुश्ताक साहब के जो है वो बच्चों के मामों और एक इनके रिश्तेदारों में बच्चा बीमार है, अल्लाह अपने फजल से कुरान के सदक़े शिफा अता फरमा। हमारे हाजी असलम साहब आज इनके तबीयत ठीक नहीं है तो अपने फजल से इनको तंदरुस्ती दे और लंबी उम्र इनको अता फरमा और ये हंसते मुस्कुराते रहें, मस्जिद पाक और मदरसे की खिदमत करते रहें। या रब्बल आलमीन, इस तफसीर के ख़त्म के दौरान हम तेरे हुजूर अर्ज़ करते हैं, जिस जिस बंदे ने मस्जिद सिद्दीक़ अकबर को चंदा दिया है, मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में मजदूरी की है, इसमें खिदमत की है, मटेरियल दिया है, उधार के ही अहबाब हैं जिनका उधार किया और फिर अगरचे थोड़े थोड़े करके पैसे देते रहे, या रब्बल आलमीन जिसने भी जिस जिस अंदाज से तेरे इस घर के साथ तआवुन किया, तू हीरे जवाहरात के खूबसूरत महल तेरे हुजूर अर्ज़ करते हैं कि उनका मुकद्दर बना दे। या रब, यहाँ दस्तरखान पूरा महीना लगा रहा, जिस जिसने इसमें लंगर दिया, बर्तन धोए, दस्तरखान लगाया, फ्रूट काटे, शरबत बनाया, या अल्लाह हर उस खिदमत गुजार का मुकद्दर अपने फजल से चमका दे और सब के दस्तरखान को बरकत दे।